हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रोफेसर वैभव सोलंकी फ्रॉम श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के रेल ट्रांसपोर्टेशन यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 5, पॉइंट क्रॉसिंग एंड सिग्नलिंग के बारे में। सो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के इस लेक्चर में हम पॉइंट क्रॉसिंग और सिग्नलिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जीटीयू सिलेबस पे ध्यान दें। जीटीयू सिलेबस पे यूनिट 3 रेल ट्रांसपोर्टेशन के हमने अगले 4 लेक्चर में बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कशन कर लिया है। उसके बाद आज हम पॉइंट एंड क्रॉसिंग और सिग्नलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे नेक्स्ट लेक्चर इंटरलॉकिंग और यार्ड और रेलवे स्टेशन के बारे में होगा। सो लेक्चर नंबर 5 पॉइंट और क्रॉसिंग की बात करें तो दोस्तों हमने कहीं ना कहीं जब हम रेलवे ट्रैक देखते हैं या तो परमानेंट वे देखते हैं तो हमने देखा हुआ है कि डायरेक्शन चेंज करने के लिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है ट्रैक पे। तो ये जो अरेंजमेंट है जहाँ से रेलवे पैरेलल आती है उसको मर्जिंग करना है, डाइवर्सिंग करना है या तो डायरेक्शन चेंज करनी है, तो उसके लिए जो अरेंजमेंट रेलवे ट्रैक या तो परमानेंट वे पे किया जाता है इसको हम पॉइंट और क्रॉसिंग बोलते हैं। यहाँ पे आप इमेज में क्लियरली देख सकते हो कि रेल को डायरेक्ट मूवमेंट कराने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए अरेंजमेंट दिया हुआ है, तो इस चीज को हम पॉइंट और क्रॉसिंग बोलेंगे। और आगे वीडियो में इसके अकॉर्डिंग जितने भी टर्म्स है, ज्योमेट्रिक डिजाइन है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, नेसेसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और क्रॉसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले पॉइंट और क्रॉसिंग है वो बेसिकली पर्टिकुलर अरेंजमेंट यूज इन अ परमानेंट वे या तो रेलवे ट्रैक टू गाइड द ट्रेन फॉर अ डायरेक्शनल चेंज, डायरेक्शन चेंज करने के लिए ट्रेन को गाइड करने के लिए होता है। पॉइंट क्रॉसिंग, टर्नआउट, क्रॉसओवर एंड सच रिलेटेड टर्म्स आर कॉन्ट्रीवेंस और अरेंजमेंट बाय द डिफरेंट रूट आइदर पैरेलल और डाइवर्जिंग अफर्ड बाय मीन ऑफ द ट्रेन। सो ट्रेन के मूवमेंट के लिए वन रूट टू अनदर रूट उसके लिए हम इन सब चीजों का यूज करता है। पॉइंट और स्विचिंग एड इज डाइवर्टिंग द व्हीकल एंड क्रॉसिंग प्रोवाइड गैप इन द रोल सो एज टू हेल्प द ट्रेन्स व्हील टू रोल ओवर देम। वी कैन सी तो यहाँ पे जो इमेज में हम देख सकते हैं कि जो ये पैरेलल ट्रैक है या हमारा रेलवे ट्रैक है तो यहाँ पे हमने लीडिंग कर्व्स दिया हुआ, ये जो है वो लीडिंग कर्व्स है, ठीक है। उसके साथ साथ ये स्विच रोड है। सो बेसिकली पॉइंट और क्रॉसिंग जो असेंबली है उसमें कौन कौन सी चीज़ें कंसिस्ट होती है, तो मेनली 3 कंपोनेंट कंसिस्ट होते हैं जो है पॉइंट, लीड एंड क्रॉसिंग। लीड को हम टर्नआउट भी बोलते हैं, इसको हम लीड बोलेंगे। यहाँ पे स्विच पॉइंट है, यहाँ पे स्विच मोटर के साथ स्विच रोड कनेक्टेड है, वो रोटेट होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है जिसके पॉइंट थ्रू हम लीडिंग कर्व्स को फॉलो करेंगे। और यहाँ पे जो पैरेलल पॉइंट है यहाँ पे हेल्प ब्लॉक, क्लोजर रेल, स्टॉक रेल और गाइड रेल दिया हुआ है, तो ये जो है वो लीडिंग पोर्शन है, ठीक है। और इसको हम लीडिंग कर्व या तो टर्नआउट बोलेंगे, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं वीडियोज में। अभी इतना। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करें, जैसे कि पॉइंट है, टर्नआउट है, क्रॉसिंग है। सो पॉइंट क्या है सबसे पहले? सो रेलवे ट्रैक में जब जब हमने इस हिसाब से क्रॉसिंग देखा है तो उस क्रॉसिंग को हमने बहुत बार देखा है, तो उसके हम डिफाइन करें तो पॉइंट है कि पॉइंट का यूज है अ पेयर ऑफ टंग रेल विद देयर स्टॉक रेल आर टर्म एज पॉइंट। कि पेयर ऑफ टंग रेल कि जो भी कनेक्टेड पैरेलल रेल है उसको, यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है उसको हम पॉइंट बोलेंगे, उसको स्टॉक रेल के साथ जब हम कनेक्ट करेंगे तो इस पैर को हम पॉइंट बोलेंगे। समझ गए कि अ पैर ऑफ टंग रेल कि दो रेल का कनेक्शन उसका पैर विद देयर स्टॉक रेल आर टर्म एज पॉइंट। क्रॉसिंग अ क्रॉसिंग इज अ डिवाइस इंट्रोड्यूस एट द जंक्शन वेयर टू रेल क्रॉसिंग टू परमिट द व्हील फ्लैंज ऑफ रेलवे vehicle to pass from the one track to another track. So दोस्तों क्रॉसिंग क्या है कि हम यहाँ पे इमेज में देखते हैं कि जब इसको हमने पॉइंट समझाया कि जो ये जो टंग रेल है उसके थ्रू जब चेंजेस हो रहे हैं उसको हमने पॉइंट बोला, तो क्रॉसिंग ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो क्रॉस हो रहा है रेलवे ट्रैक, ठीक है। तो क्रॉसिंग इंट्रोड्यूस जंक्शन वेयर टू रेल्स
क्रॉसेस टू परमिट द व्हील फ्लेंज, कि व्हील फ्लेंज को क्रॉस करने के लिए वहां पे परमिशन मिलती है, ठीक है, जहां पे व्हील फ्लेंज इजीली क्रॉस हो जाता है, इसको हम क्रॉसिंग बोलेंगे। टर्नआउट है द टर्म डिनोट पॉइंट एंड क्रॉसिंग विद द लीडिंग रोल्स। बेसिकली जो लीड रेल्स हैं हमारी, ये जो रेल्स है इसको हम लीड रेल्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो वी जैसा पोर्शन है, ठीक है, तो यहाँ से हमारा पूरा रेलवे टर्न होगा, तो इसको लीड रेल को हम टर्न आउट और लीड कर्व्स या तो टर्न आउट कर्व्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है हमारा पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे हम क्रॉसिंग देख सकते हैं, ये है क्रॉसिंग और ये है टर्न आउट। टंग रेल किसे बोलते हैं? इट इज अ टेपर्ड मूवेबल रेल, जो एक पोर्शन होता है मूवेबल पोर्शन, जिसको हम स्टॉक जो स्विच है उसके थ्रू मूव करा सकते हैं। कनेक्टेड एट इट्स थिकनेस एंड टू द रनिंग रेल, जो रनिंग रेल है उसके साथ सेम थिकनेस पे कनेक्ट हुआ होता है। स्टॉक रेल इट इज द रनिंग रेल अगेन विच अ टंग रेल फंक्शन। स्विच किसे बोलते हैं? अ पेयर ऑफ टंग विद द हेयर स्टॉक रेल विद नेसेसिटी कनेक्शन एंड फिटिंग्स। हिल ऑफ स्विच इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट ऑन द गेज लाइन मिड वे बिटवीन द एंड ऑफ लीड रेल एंड टंग रेल इन केस ऑफ लूज हिल स्विच इन केस ऑफ फिक्स हिल स्विच। सो इट इज अ पॉइंट ऑन गेज लाइन ऑफ टंग रेल अपोजिट द सेंटर ऑफ अ हिल ब्लॉक, कि यहाँ पे जब हम हिल ब्लॉक देखते हैं तो ये जो क्लोजर रेल है और ये गाइड रेल है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम हिल ब्लॉक बोलते हैं, या तो इसको हम जो हिल है या तो स्विच है उसके हिसाब से डिनोट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम टर्मिनोलॉजी पे आगे बात करें तो और पॉइंट है लीड, लीड किसे बोलेंगे? द ट्रैक पोर्शन बिटवीन हिल्स ऑफ द स्विच टू द बिगनिंग ऑफ क्रॉसिंग असेंबली इज कॉल्ड द लीड। तो यहाँ पे जो हिल्स ऑफ द क्रॉसिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे जिस हिसाब से बिगनिंग हो गई है कर्व्स की रेलवे ट्रैक की, तो उस पोर्शन को हम लीड कर्व बोलेंगे। टर्न इन कर्व्स की से बोलेंगे तो ट्रैक पोर्शन बिटवीन द हिल ऑफ क्रॉसिंग टू द फाउलिंग मार्श इज कॉल्ड द टर्न इन कर्व, कि जहाँ पे हमारा जो रेलवे है फ्लैंज है वो मूव करेगा स्ट्रेट पोर्शन पे, ठीक है, तो कनेक्टिंग कर्व पे, तो उस कनेक्टिंग कर्व्स को हम टर्न इन कर्व्स कहेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ टर्मिनोलॉजी देखी, पॉइंट, क्रॉसिंग, टर्न आउट, लीड, टर्न इन कर्व्स, इन सब के बारे में देखा। अब बात करते हैं नेसेसिटी ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग, क्या क्या नेसेसिटी है पॉइंट और क्रॉसिंग की। तो पहली चीज, बिकॉज ऑफ द व्हील ऑफ रेलवे व्हीकल आर प्रोवाइडेड विद द इनसाइड फ्लैंज, देयरफॉर दे रिक्वायर स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग इन ऑर्डर टू नेगेटिव देयर वे ऑन द रेल्स। हम सबको पता है कि व्हील फ्लैंज जो सडनली हम मूव कराएंगे और उसको डायरेक्शन चेंज देंगे, तो उसके लिए एक अरेंजमेंट की जरूरत पड़ेगी, और वो स्पेशल अरेंजमेंट और क्रॉसिंग जो प्रॉपर वे में ऑर्डर में होगा, तो उसको हम प्रॉपर वे में नेविगेट करेंगे और रेल्स को प्रॉपर वे में नेविगेट कर सकेंगे। तो ये इसकी नेसेसिटी है। गिविंग प्रेसिडेंस टू फास्टर ट्रेन इन द सेम डायरेक्शन, गिविंग पैसेज टू अ ट्रेन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, और कनेक्टिंग प्लेस नॉट ऑन द डायरेक्ट लाइन ऑफ ट्रेन, कि ट्रेन को फास्टर ट्रेन को प्रिसीडिंग डायरेक्शन में वही स्पीड पे मूव कराने के लिए, प्रॉपर पैसेज को ट्रेन को अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराने के लिए या तो स्टॉप कराने के लिए उसका यूज होता है। टू स्विच फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर एंड टू चेंज डायरेक्शन, एक ट्रैक को अनदर ट्रैक में चेंज करके डायरेक्शन देने के लिए भी काम आता है, जो हमारा मेन इसका ऑब्जेक्टिव है, और है टू डाइवर्स और कन्वर्स ट्रैक, और ट्रैक है उसको डाइवर्ट करने के लिए और कन्वर्स करने के लिए, जिसके थ्रू जिसके ऊपर व्हील फ्लैंज मूव हो सके और रेल अच्छी तरह से वहां पे मूव हो। तो यह है नेसेसिटी ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग। यहाँ पे आप पॉइंट एंड क्रॉसिंग का इमेज देख सके, जिसके थ्रू हमको पता चलेगा कि जहाँ पे इस हिसाब से नोज दिख रहा है आपको फेसिंग डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये जो एंगल है वो उसको हम क्रॉसिंग एंगल बोलेंगे, ये है रेल डायरेक्शन, ठीक है, और यह है ओवरऑल लेंथ। तो यहाँ पे आप जिस हिसाब से मूवमेंट देख रहे हो कि ये है पूरा पैरेलल ट्रैक, ठीक है,
और यहाँ पे डायरेक्शन गाइड करने के लिए दिया हुआ है, तो इसको हम लीडिंग काउस बोलेंगे। तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर लेंथ है वो है स्विच लेंथ, कि जहाँ से स्विचिंग मूवमेंट होगा, यहाँ पे स्विच रोड है, ठीक है। तो जैसे ही स्विच होगा तो ट्रैक चेंज होगा, ट्रैक चेंज होगा तो उसके साथ यहाँ पे देख देख सकते हो स्विच बैक रोड है, ठीक है। उसके साथ स्विच चेंज होगा तो यहाँ पे हिल स्प्रीड होगी, और हिल स्प्रीड के साथ यहाँ पे जो मूव अगर करेंगे उसको जो हम आगे करेंगे उसको हम टर्नआउट बोलेंगे। ये टर्नआउट और लीडिंग काउज है, तो ये कर्व मेन रेल है, ठीक है। तो और उसके साथ साथ यहाँ पे आप वी क्रॉसिंग जॉइंट और क्रॉसिंग और पॉइंट देख सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट और क्रॉसिंग। तो जैसे कि हमने पॉइंट और क्रॉसिंग के बारे में डिस्कस किया है, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग के बारे में बात करें तो कौन कौन से टाइप्स है क्रॉसिंग के, तो क्रॉसिंग है पहला जो टाइप है वो है वी क्रॉसिंग, दूसरा है डायमंड क्रॉसिंग, तीसरा है स्क्वायर क्रॉसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वी क्रॉसिंग किसे बोलते हैं, तो इस हिसाब से जो वी शेप में हमको क्रॉस मिलता है उसको हम वी क्रॉसिंग बोल सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गेज फेस फ्रॉम एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल पे दो गेज फिक्स होते हैं, ठीक है, तो उसको हम वी क्रॉसिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अन राइट एंगल रेल क्रॉस ऑन लेफ्ट रेल, इट मेक अ एक्यूट क्रॉसिंग, थस अनलाइक रेल क्रॉसिंग फ्रॉम एक्यूट क्रॉसिंग। दूसरा है ऑब्ट्यूज और डायमंड क्रॉसिंग, इन विच टू और टू गेज फेस मीट अन ऑब्ट्यूज एंगल, व्हेन द राइट एंगल लेफ्ट रेल क्रॉसिस अ सिमिलर रेल, इट मेक अ ऑब्ट्यूज क्रॉसिंग। की दो जगह पे इसे हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो कि व्हेन टू ट्रैक क्रॉसिंग इच अदर एट अ लेस देन 19 एंगल के साथ अगर यहाँ पे इस हिसाब से क्रॉसिंग हुआ, तो इमेज के हिसाब से, तो इसको हम डायमंड क्रॉसिंग बोलेंगे। तो एंगल देन इट फॉर्म डायमंड शेप, सो इट इज कॉल्ड डायमंड क्रॉसिंग। तो जिस हिसाब से यहाँ पे जो एंगल बनने वाला है वो डायमंड के टाइप का एंगल बनेगा, तो इस हिसाब से हम इसको डायमंड क्रॉसिंग बोल सकते हैं। तीसरा है स्क्वायर क्रॉसिंग, इन विच टू ट्रैक क्रॉस एट राइट एंगल, सच अ क्रॉसिंग आर रेयरली यूज इन एक्चुअल प्रैक्टिस, की प्रॉपर स्क्वायर यहाँ पे हम पूरा स्क्वायर देख सकते हैं, तो ये स्क्वायर में अगर एंगल मीट हो रहा है तो उसको हम स्क्वायर क्रॉसिंग बोलेंगे। सो यहाँ पे पॉइंट और क्रॉसिंग का डिस्कशन हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सिग्नलिंग। सिग्नलिंग क्या है? सो रेलवे सिग्नलिंग इज अ सिस्टम यूज टू कंट्रोल रेलवे ट्रैफिक सेफली। कोई भी जैसे हम हाईवे में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सिग्नलिंग का यूज करते हैं, उसी हिसाब से रेलवे को कंट्रोल करने के लिए और ट्रैफिक को सेफली कंट्रोल करने के लिए सिग्नलिंग यूज होता है। तो रेलवे सिग्नलिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। सिग्नलिंग इज अ सिस्टम यूज टू कंट्रोल रेलवे ट्रैफिक सेफली, इसेंशियली टू प्रिवेंट ट्रेन फ्रॉम कोलाइडिंग। तो यहाँ पे इसी हिसाब से हम एक अरेंजमेंट देखते हैं रेलवे को, रेलवे ट्रैफिक को सेफली मूव कराने के लिए। तो बेसिकली सिग्नलिंग कंसिस्ट ऑफ द सिस्टम डिवाइस एंड मीन्स ऑफ बाय विच ट्रेन आर ऑपरेटेड इफेक्टिवली एंड ट्रैक आर यूज्ड टू मैक्सिमम एक्सटेंट मेंटेनिंग द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर द स्टाफ एंड कॉलिंग रोलिंग स्टॉक। इट इंक्लूड द यूज एंड वर्किंग ऑफ द सिग्नलिंग पॉइंट ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट एंड अदर इक्विपमेंट। सो यहाँ पे जिस हिसाब से आप इमेज में देख सकते हो ऑन और ऑफ सिग्नलिंग दिखाया गया है, तो जो जहाँ पे सेमाफोर का यूज होता है इसको हम सेमाफोर बोलेंगे, तो ये परपेंडिकुलर एंगल है तो यहाँ पे बैलेंस वेट है, तो ये बैलेंस वेट लोअर डायरेक्शन में उसको ऑन पोजिशन में बोलते हैं। उसके साथ साथ सिग्नलिंग पोस्ट टेलीफोन कनेक्टेड होता है, तो ये जो लोअर क्वाड्रेंट सिग्नल है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैलेंस वेट अगर लोअर डायरेक्शन में है तो हमारा सिग्नलिंग ऑन है, सिग्नलिंग ऑन है तो सेमाफोर परपेंडिकुलर कंडीशन में होगा, और यहाँ पे लेंसेस फॉर नाइट इल्यूमिनेशन, नाइट इल्यूमिनेशन के लिए जो लाइट दी हुई है, ठीक है, वो रेड कंडीशन में होगी, तो यहाँ पे हम नाइट विजन में हम इसको रेड लाइट दिखाई देगी, तो ये जो कंडीशन है वो ऑन कंडीशन है। दूसरा है कि अगर यहाँ पे मेरा बैलेंस लाइट अपर डायरेक्शन में है तो मेरा अपर क्वाड्रेंट सेमाफोर भी अपर डायरेक्शन में होगा, और जो नाइट इल्यूमिनेशन है वो ग्रीन होगा, तो इसी हिसाब से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो
अपर क्वाड्रेंट सेमाफोर ऑन ऑफ कंडीशन में है, तो यहाँ पे इस हिसाब से सेमाफोर का यूज होता है, सेमाफोर आर्म का यूज होता है रेलवे सिग्नलिंग को कंट्रोल करने के लिए। तो इसके हिसाब से और डिवाइस के हिसाब से हम टोटली ट्रैक को और मैक्सिमम एक्सटेंड के लिए और मेंटेनिंग सेफ्टी और पैसेंजर की सेफ्टी और स्टाफ की सेफ्टी के लिए उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो कौन कौन से सिग्नलिंग का ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव है कि टू प्रोवाइड अ फैसिलिटी फॉर इफिशियंट मूवमेंट ऑफ ट्रेन, ट्रेन के एफिशियंट मूवमेंट के लिए सिग्नलिंग प्रोवाइड करेंगे। टू इंश्योर सेफ्टी बिटवीन टू और मोर ट्रेन विच क्रॉस और अप्रोच इच अदर पाथ, कि अगर एक या दो दो से ज्यादा ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, और क्रॉस कर रही है, तो उसके लिए सेफ्टी इंश्योर करने के लिए हम सिग्नलिंग प्रोवाइड करेंगे। टू प्रोवाइड अ फैसिलिटी फॉर मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ द ट्रैक, टू प्रोवाइड अ फैसिलिटी सेफ एंड एफिशिएंट साउंडिंग ऑपरेशन, टू गाइड रेल ट्रेन मूवमेंट ड्यूरिंग मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द ट्रैक, टू सेफ गार्ड द ट्रेन एट द कन्वर्जिंग जंक्शन एंड गाइड डायरेक्शन इंडिकेशन ऑफ डाइवर्जिंग जंक्शन। तो इसी हिसाब से भी हम सिग्नलिंग का यूज करेंगे। सो बेसिकली टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग के बारे में बात करें तो मेजर जो टाइप्स होते हैं सिग्नल के रेलवे के लिए, तो वो अकॉर्डिंग टू फंक्शन होते हैं, अकॉर्डिंग टू लोकेशन होते हैं और कुछ स्पेशल सिग्नल होते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन जो जनरल रेलवे हम इंडिया में यूज करते हैं वो है, उसका क्लासिफिकेशन हम इस हिसाब से कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू फंक्शन जो पहला है वो है स्टॉप सिग्नल और सेमाफोर टाइप सिग्नल, जो हमने आगे डिस्कस किया। तो स्टॉप सिग्नल और सेमाफोर टाइप सिग्नल का वाइडली यूज होता है। सेकंड है वार्नर सिग्नल, थर्ड है डिस्क और ग्राउंड सिग्नल और फोर्थ है कलर लाइट सिग्नल। इन सभी के बारे में हम वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है स्टॉप और सेमाफोर सिग्नल। तो जैसे कि मैंने आगे बताया, रेड इल्यूमिनेशन लाइट और ऑन कंडीशन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, और ग्रीन इल्यूमिनेशन लाइट लोअर आर्म और अपर आर्म जो रहेगा वो ऑफ कंडीशन में रहेगा। तो इस हिसाब से उसका स्कीमेटिक डायग्राम भी दिया हुआ है। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द फिक्स रेलवे सिग्नल द सेमाफोर, सेमाफोर है वो फिक्स रेलवे सिग्नल है और बहुत ही पहले से यूज होता है। दिस सिग्नल इज अ डिस्प्ले दैट डिफरेंट इंडिकेशन ऑन रेल ड्राइवर बाय चेंजिंग एंगल एंड इंडिकेशन ऑफ प्रोवाइड आर्म, आर्म के इंडिकेशन थ्रू हम बता सकते हैं। सो जैसे मैंने आगे बात की कि स्टॉप पोजिशन इज द नॉर्मल पोजिशन एंड इट इज सेड टू बी ऑन पोजिशन, और दूसरा है आर्म कैन बी लोअर एंगल 40 to 60 डिग्री विद हॉरिजेंटल इज सेड टू बी ऑफ पोजिशन। तो यहाँ पे ऑन पोजिशन और ऑफ पोजिशन सेमाफोर सिग्नल के लिए दिखाया गया है, जिसको हम स्टॉप सिग्नल भी बोलते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू फंक्शन के हिसाब से, दूसरा टाइप है वो है वार्नर सिग्नल। वार्नर सिग्नल यहाँ पे जिस हिसाब से हम इमेज में देखते हैं कि वार्नर सिग्नल इज अ सिमिलर टू सेमाफोर सिग्नल, और उसका जो शेप एस्पेक्ट है वो वी नॉच और फ्री एंड जैसा रहता है, मतलब कि वो मूवेबल आर्म है फिश टेल एज शोन, कि जिस हिसाब से हमने यहाँ पे दो सेमाफोर जैसे सिग्नल देखते हैं कि हम प्रॉपर मूवेबल आर्म वहाँ पे प्रोवाइड होता है। सो व्हाइट बैंड इज ऑल्सो ऑफ अ वी शेप, कि यहाँ पे जो वाइट बैंड होता है वो वी शेप में वाइट बैंड दिया हुआ होता है। तो वार्नर सिग्नल इज प्लेस ऑन द सेम पोस्ट ऑफ द सेमाफोर सिग्नल 1.8 to 2.1 मीटर बिलो द सेमाफोर सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा सेमाफोर सिग्नल है, उसके नीचे 1.8 मीटर बिलो हम वार्नर सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। द वार्नर सिग्नल इज पेंटेड येलो एंड द एग्जिबिट येलो और एम्बर कलर नाइट इंस्टेड ऑफ रेड कलर, कि इसको हम येलो पेंट से भी हम इंडिकेट कर सकते हैं। तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है साउटिंग सिग्नल, साउटिंग सन्टिंग सिग्नल को हम डिस्क और राउंडेड भी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस सिग्नल आर यूज फॉर अ सन्टिंग ऑपरेशन स्टेशन या स्टेशन यार्ड के सन्टिंग ऑपरेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये जो फिक्स पोर्शन है वो यहाँ पे रैंप लीड रैंप रेड लैंप होता है, ठीक है, और यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड होता है व्हाइट डिस्क पे, और यहाँ से जो रेड लैम्प होता है उसका अप्रोक्स सेंटीमीटर ग्राउंड से 16 सेंटीमीटर अबव होता है, जो लीवर आर्म से के साथ कनेक्टेड होता है। इसका बेसिकली टू हॉल्स आर प्रोवाइडेड, वन फॉर अ रेड लैम्प एंड अदर फॉर अ ग्रीन लैम्प, और व्हेन द रेड लैम्प बैंड इज अ हॉरिजेंटल सो अस लाइट एट नाइट इन इंडिकेटर इज अ स्टॉप, और व्हेन द रेड बैंड इज इंडिकेट 45 डिग्री और ऑन सो ग्रीन लाइट इन द नाइट इंडिकेटर प्रोसीड,
अगर यहाँ पे 45 डिग्री पे रेड लाइट है, रेड बैंड है, तो इसको हम प्रोसीड कंडीशन बोलेंगे, और हॉरिजेंटल को हम स्टॉप या तो स्टॉप कंडीशन बोलेंगे। चौथा है कलर लाइट सिग्नल। कलर लाइट सिग्नल जैसे हम हाईवेज में यूज करते हैं, इसी हिसाब से सेमाफोर सिग्नल आर बीइंग रिप्लेस बाय द हाई इंटेंसिटी बीम कलर सिग्नल बोथ ड्यूरिंग डे और नाइट, जिसका हम डे और नाइट दोनों में यूज कर सकते हैं। इन केस ऑफ कलर लाइट सिग्नल द नॉर्मल पोजिशन इज टू बी इंडिकेट प्रोसीड, सो ग्रीन लाइट, अगर ग्रीन लाइट है तो नॉर्मल कंडीशन है वो प्रोसीड है। व्हेन द सेक्शन इज ब्लॉक और ऑटोमेटिकली इंडिकेट स्टॉप और डेंजर, सो रेड लाइट, अगर रेड लाइट है तो वहां पे स्टॉप कंडीशन है और डेंजर इंडिकेट करता है। इन इंडिया दिस सिग्नल आर यूज ऑन अर्बन एंड सबर्बन अर्बन सेक्शन विद द हैवी ट्रैफिक। हैवी ट्रैफिक के साथ हम अर्बन और सब अर्बन सेक्शन में ही कलर लाइट सिग्नल का यूज करते हैं, वरना हम सेमाफोर सिग्नल का ही मेजरली यूज करते हैं। लोकेशन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो लोकेशन ऑफ द सिग्नल, तो दूसरा जो फंक्शन है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, पहला हमने सिग्नल के बारे में बात की। अकॉर्डिंग टू लोकेशन के बारे में बात करें तो रिसेप्शन सिग्नल आता है, जिसके दो टाइप है, आउटर सिग्नल और होम सिग्नल, और दूसरा है डिपार्चर सिग्नल, जिसमें स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर का यूज होता है। तो यहाँ पे आउटर सिग्नल, वार्नर सिग्नल, स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर का हम ट्रैक पे 40 मीटर सेक्शन पे देख सकते हैं, उसके बाद 185 मीटर का गैप होता है, ठीक है। यहाँ पे डाउन और अप कंडीशन में आप देख सकते हैं, ये जो है वो प्लेटफॉर्म है दोनों साइड, जो प्लेटफॉर्म के आसपास जो सिग्नल देखेंगे उसको हम होम सिग्नल बोलेंगे, ठीक है, जो हम रेलवे स्टेशन पे देखते हैं, और स्टार्टर सिग्नल दोनों डायरेक्शन में, उसके बाद एडवांस सिग्नल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूरा रेल कंडीशन है अप डायरेक्शन और डाउन डायरेक्शन के लिए, यहाँ पे आउटर सिग्नल होता है और वार्नर सिग्नल होता है दोनों डायरेक्शन में। तो 40 मीटर रेलवे स्टेशन से 185 मीटर अपार्ट हम एडवांस स्टार्टर देखते हैं, और 14 मीटर अपार्ट हम वार्नर सिग्नल और आउटर सिग्नल देखते हैं दोनों डायरेक्शन में। तो इसको हम लोकेशन के हिसाब से सिग्नल बोलते हैं, जिसे हम रिसेप्शन सिग्नल और डिपार्चर सिग्नल में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरे लेक्चर में पॉइंट क्रॉसिंग और रेलवे सिग्नलिंग के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेलवे स्टेशन और यार्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।